चलो भाई, कहाँ पर थे हम? माउस। चलो माउस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल था, चल रहा था हमारा। चलो दोस्त, देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूछें, रिवाइज कर लिया? अब याद करके आया करो, ऑनलाइन वाले भी सुना करेंगे बताना, ठीक है? नाम लिया करूंगा मैं, इसने नहीं बता पाया, इसने नहीं बता पाया, ठीक? तगड़ी धोएंगे फिर तुम्हारी, ये होएगा। कहाँ पर थे? कीबोर्ड पर थे क्या? हाँ शायद हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वीक पासवर्ड की वो लिखनी थी कंडीशंस, हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और वीक पासवर्ड की कंडीशन छोड़ो, हम बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जरा अगली चीजों को। चलो भाई देखते हैं और पढ़ते हैं। देखो भाई कहाँ पर थे? आई थिंक हम माउस पर थे और माउस को देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करना है। कीबोर्ड से रिलेटेड आपकी हर एक चीज हमने पढ़ ली थी कि जो कीबोर्ड है कौन सा वाला? वायरलेस वाला? जी बिल्कुल, आ जाओ। देखो वायरलेस वाला पॉइंट देख लेते हैं हम और वायरलेस से रिलेटेड बात देख लो भाई। वायरलेस कीबोर्ड और माउस। देखो जैसे कि हम बात करें कि कुछ आपके वायरलेस कीबोर्ड होते हैं और माउस होते हैं, ये सीपीसीटी ने भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि बताओ मेरे दोस्त, आपका जो वायरलेस कीबोर्ड होता है या फिर मेरे भैया जो आपका वायरलेस माउस होता है, वो किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है? अगर हम आपसे बात करें थोड़ा सा वायरलेस आपके वर्ड पर फोकस करें तो वायरलेस वर्ड है क्या? तो वायरलेस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि आप बिना वायर के माध्यम से कोई डेटा का आदान प्रदान कर सको या फिर इधर से उधर चीजें आप ट्रांसफर कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? वायरलेस चीज कहते हैं। वायरलेस आपका वर्ड निकल कर आता है। ये जो वायरलेस वर्ड है वो आपका किसी वेव्स पर मौजूद होता है। वेव्स मतलब किरण, जो किरण होती है। अगर वायर नहीं होगा तो कोई तो चीज होगी दोस्त जिसके माध्यम से आपका वायरलेस वाली चीज क्रिएट होगी, तो वो क्या होते हैं? वेव्स होती हैं। तीन प्रकार की आपकी वेव्स होती हैं दोस्त। वो तीन प्रकार की वेव्स कौन कौन सी होती हैं जरा देखना है। एक लड़की आई हुई यहाँ पढ़ने, यहीं पर बाहर की है वो। हाँ उन्होंने देखा नहीं, यहीं पर फोन आ रहा है उनका, देखना। तो आ जाओ भाई देखते हैं। और वायरलेस वाला सेक्शन, जो वायरलेस का मतलब तीन वेव्स होती हैं, और तीन वेव्स कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक तो होती है आपकी, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, और एक आपकी क्या होती है, माइक्रो वेव्स होती हैं, और एक आपकी क्या होती है, इंफ्रा रेड होती हैं। देखो भाई वेव की कोई पहचान नहीं होती है कि वेव की क्या पहचान है। वेव की पहचान ओनली उनकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर की जाती है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वेव को हम क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? अलग अलग नाम असाइन कर देते हैं। ते जो आपकी, देखो क्या हम आपसे बोले कि वेव है तो क्या वेव आपको दिखाई देगी दोस्त? जी नहीं दिखाई देगी। वेव तो वेव है ना मेरे भैया। अब उस वेव का फिर नाम क्यों रख दिया गया कि ये वेव आपकी रेडियो वेव है, ये वेव आपकी माइक्रोवेव है, या फिर ये आपकी इंफ्रारेड है? तो उनकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर, जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है उनके आधार पर उसे नाम रख देते हैं कि भैया वो वेव्स क्या है। तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 3 किलो हर्ट से लेकर मेरे दोस्तों कहाँ तक जाती है, 300 में, ये सॉरी आपको लिखना नहीं है ये चीज़, बस सुनते चलो क्योंकि आगे चल के हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो 3 किलो हर्ट से लेकर 300 MHz की जो वेव होती है उन्हें हम रेडियो वेव कहते हैं। और मेरे भैया 300 MHz से लेकर आपकी 300 GHz की जो वेव होती है उन्हें हम माइक्रोवेव कहते हैं। और ऐसी वेव जो आपकी मेरे दोस्तों 300 GHz से लेकर कहाँ तक जाती हैं, 480 नहीं 430 सॉरी चार हाँ 430 THz तक जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंफ्रा रेड कहते हैं। और इन सभी वेव्स में से आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं इन पर काम करते हैं आपके वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस। जैसे अगर आपसे कभी पूछ ले कि बताओ मेरे दोस्त, जो आपके वायरलेस कीबोर्ड होता है या फिर जो आपका वायरलेस माउस होता है वो किस पर कार्य करता है, तो बता दीजिएगा रेडियो वेव्स पर कार्य करता है।
अगर आपसे ऐसे पूछे कि बताओ मेरे दोस्त, जो रेडियो वेव्स होती है, सॉरी आपका जो वायरलेस माउस या फिर वायरलेस कीबोर्ड होता है, वो किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, तो आपको स्पष्टली बोल देना है कि भैया वो रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। अगर आपसे ओनली वेव पूछे तो बताइएगा रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव। अगर आपसे टेक्नोलॉजी पूछे तो बताइएगा रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ भैया। हाँ, अगर आपसे ऐसे और पूछ ले, जो नोट डाउन कर लीजिएगा, बात को कर लेना अपने हिसाब से। देखो वो बात क्या है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि जो आपका वायरलेस कीबोर्ड या फिर वायरलेस माउस होता है, उनमें किन फ्रिक्वेंसी की वेव्स का प्रयोग किया जाता है, तो भैया अब आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। अगर आपकी वहाँ मेरे भैया, एक तो रेडियो वेव्स है तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और दूसरा मेरे दोस्तों इंफ्रारेड है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी होगी। अगर आपको रेडियो वेव से रिलेटेड वो क्वेश्चंस देगा तो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी ऑप्शन में देगा, अगर इंफ्रारेड से रिलेटेड क्वेश्चंस देगा तो इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी ऑप्शन में देगा। तो यहाँ रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है, लिख लीजिएगा भैया, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक जाती है मेरे दोस्त, 300 मेगा हर्ट्ज तक आपकी ये फ्रिक्वेंसी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। अगर हम थोड़ी सी दूसरी बात करें, दूसरी बात ये है, अगर आपसे वो इंफ्रा रेट वाली फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा भाई, वो होगा आपका 300 गीगाहर्ट्ज से, लिखो भैया 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर आपका 430 टेरा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वो आपको ऑप्शन में देगा। जो भी वो ऑप्शन में प्रोवाइड करे दोस्त, आप उस बात को टिक कर दीजिएगा। चलो भाई मूव करते हैं और अगली बात पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अगला है वो है मेरे दोस्त आपका माउस। जरा समझिएगा, अगर हम थोड़ा सा माउस के बारे में बात करें तो मेरे भैया, जब हमने इनपुट डिवाइस पढ़ना स्टार्ट करा था तो हमने दो बातें पढ़ी थी कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो दो आधार पर आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक तो वो करते हैं भैया आपके टेक्स्ट के आधार पर इंस्ट्रक्शन, और एक देते हैं मेरे दोस्त आपकी पिक्चर के आधार पर इंस्ट्रक्शन। टेक्स्ट के आधार पर इंस्ट्रक्शन देने वाले डिवाइस की बात करें तो वो है मेरे दोस्त आपका कीबोर्ड, और अगर हम पिक्चर के आधार पर बात करें तो वो है आपका क्लिक, और क्लिक क्या करता है मेरे दोस्त आपका माउस करता है। और ये जो है इसे हम CUI बेस्ड इनपुट डिवाइस भी कह देते हैं, और ये है इन्हें हम GUI बेस्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगर आपको CUI बेस्ड पूछे तो क्या होगा मेरे दोस्त, कीबोर्ड होगा, और अगर आपसे GUI बेस्ड पूछे तो मेरे दोस्त क्या होगा, आपका माउस वाला वो डिवाइस होगा, जिसमें से हम कीबोर्ड को तो मेरे दोस्त बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त आपके माउस को। आ जाओ मेरे भैया, माउस से रिलेटेड हम बातें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम माउस के प्रकार की बात करें तो माउस दो आधार पर प्रकार होती है, पर दो प्रकार का माउस होता है मेरे दोस्त। एक तो माउस होता है आपका मैकेनिकल माउस, ठीक, और एक होता है मेरे दोस्त आपका कौन सा, ऑप्टिकल माउस। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सर ये मैकेनिकल क्या है, और यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर ये आपका ऑप्टिकल क्या है। तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा, मैकेनिकल माउस और आपका ऑप्टिकल माउस। तो मैकेनिकल वर्ड अगर हम देखें तो मैकेनिकल वर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्त आपका फिजिकल, मैकेनिकल वर्ड का मतलब फिजिकल, और यहाँ ऑप्टिकल वर्ड का मतलब होता है आपका कौन सा, लॉजिकल या फिर प्रकाश। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो ऑप्टिकल वर्ड का मीनिंग है लॉजिकल, और यहाँ आपका मैकेनिकल वर्ड का मीनिंग है फिजिकल। तो देखो अब मैं आपको दो बातें जरा बोलता हूँ, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपके लैपटॉप के अंदर टच पैड की बात करें, एक तो ये है, और दूसरी मेरे दोस्त हम जो आप टाइपिंग करने जाते हो वहां माउस की बात करें, ये भी टच पैड भी माउस है, क्योंकि उससे भी पॉइंटर इधर उधर मूव कर रहा है, और ये भी मेरे दोस्त माउस है। अगर तुमने इसका थोड़ा सा फंक्शन देखा हो, आपके इस वाले माउस का, वो फंक्शन क्या है कि आप जैसे ऐसे इस माउस को इधर उधर मूव करवाते हो तो वहाँ डिस्प्ले पर जाकर आपका कर्सर इधर उधर, कर्सर जो है वो इधर उधर मूव करता है। तो ऐसा अपन लोगों की मिथ होती है कि हम माउस को इधर उधर करते हैं तो कर्सर इधर उधर मूव करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है।
आप माउस को एक जगह रखिएगा और नीचे हाथ को जरा इधर उधर करके देखना थोड़ा सा, अगर किसी ने कभी प्रैक्टिकल कराओ, मैंने तो किया है, कि आप क्या करते हो, आप ऐसे माउस को लेते हो और वह उसके नीचे हाथ ले जाते हो, तो हाथ का मूवमेंट आप करवाते हो, माउस को वहीं स्टे रखते हो, तब भी आपका कर्जर इधर उधर मूव करता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो वहां से प्रकाश निकल के आता है, उस प्रकाश में जैसा डिस्ट्रक्शन होता है, वैसा ही डिस्ट्रक्शन आपके मॉनिटर पर मौजूद माउस के पॉइंटर में होता है। ठीक है, तो जो ऐसे प्रकार से माउस करता काम करता है, उसे हम कौन सा माउस बोलते हैं सर? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल बोले तो प्रकाश की मदद से, प्रकाश की मदद से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो वाली बात। और आपका इधर क्या रहता है, क्या आप मेरे भैया जब तक इसको टच नहीं करोगे तब तक वो मूवमेंट करेगा क्या? नहीं। और यहाँ टच करके इधर उधर करना क्या है भैया, आप उसको फिजिकल वहां पर रखकर इधर से उधर मूवमेंट करवा रहे हो, तो वो क्या है आपका फिजिकल, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल माउस कहते हैं। तो देखो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आप जो याद रखना है आपको वो बात याद रखनी है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपसे लॉजिकल चीजें पूछे तो समझ जाना ऑप्टिकल माउस है, अगर आपसे फिजिकली कोई चीज पूछे तो समझ जाना भैया आपका वहां कौन सा मैकेनिकल माउस है। कोई दिक्कत? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका लैपटॉप का टच पैड क्या है, आपका कौन मैकेनिकल माउस होगा। अगर हम आप जी क्या मोबाइल, जी बिल्कुल मैकेनिकल माउस होगा। देखो मैंने फिर बोल दिया, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, इवन आपका प्रिंटर का वही हो सकता है, एलईडी लो, है ना। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि आपकी जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिन्हें प्रिंटर मशीन कहते हैं, और दिसंबर में अभी हाल ही में क्वेश्चंस भी आया था, रात में 9 बजे मैंने सॉल्व भी करवाया था, 9 बजे वाली क्लास में आए थे क्या? रात में 9 बजे वाली क्लास में हम सॉल्व, आपका रात में हमने सॉल्व करवाया था पूरा का पूरा 52 के 52 क्वेश्चंस। उसमें एक पेपर, एक क्वेश्चन था, बोला था आपसे एलसीडी एंड एलईडी से रिलेटेड प्रिंटर, ये क्वेश्चन था अगर नोटिस कराओ। तो एलसीडी और एलईडी से रिलेटेड प्रिंटर, ये मतलब नहीं है कि भैया एलसीडी के अंदर ही प्रिंटर लगा दिया तो वो एलसीडी और एलईडी वाला प्रिंटर बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एलसीडी और एलईडी प्रिंटर का मीनिंग था, आपकी जो फोटोकॉपी की मशीन होती है ना उसके ऊपर एक डिस्प्ले लगी होती है जिसकी मदद से वो पूरी कंट्रोलिंग करते हैं, इतनी कॉपी इतने पेज इतने जो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं एलसीडी और एलईडी प्रिंटर। तो यहां पर भी तो वो माउस का ही काम कर रहा है, पैड तो कौन सा है, मैकेनिकल। तो मतलब कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है, वहां टच करके तुम काम कर रहे हो, ऐसे फिजिकली तुम टच करके काम कर रहे हो तो समझ जाएगा वहां आपका मैकेनिकल है, अगर तुम लॉजिकली चीजें कर रहे हो ऑप्टिकल प्रकाश की मदद से कर रहे हो समझ जाएगा वहां ऑप्टिकल माउस है। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वेस्ट एग्जाम, जी अरे यार मैंने बोल तो दिया, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो के कितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बस कॉन्सेप्ट को याद रखो। ठीक है, और जो एग्जाम के अंदर जो आपको एग्जाम्पल को याद, कॉन्सेप्ट जो पेपर में आया हुआ है उसकी हम बात करते हैं। फल दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं, किस किस के बारे में बात करें, हैं बुढ़ापा आ जाएगा सब पूरे के बारे में बात करने में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पढ़ाई का कभी अंत है क्या? नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन सटीक पढ़ना ये शायद हमारी हम बोले कि हमारी समझदारी है। पढ़ाई तो हर कोई करता है बट सटीक पढ़ाई करना एक बात ही अलग होती है, कि वो ही पढ़ना जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वो बात अलग हो जाती है। तो देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ट्रैक बॉल वाला क्वेश्चन, जो ट्रैक बॉल वाला क्वेश्चन है ये जरूर आता है, आपसे पूछा जाता है बताओ भाई ट्रैक बॉल कौन सा माउस है, तो मैकेनिकल माउस है। क्यों है? क्योंकि उसकी कार्य पद्धति होती है कैसे, देखो क्या हो? उस एक माउस होता है और माउस के ऊपर बॉल लगी होती है, ठीक, माउस होता है माउस के ऊपर बॉल लगी होती है, और इस बॉल को टच करके आप इधर से उधर उसको मूवमेंट करवाते हो, तो क्या करता है आपका माउस पॉइंटर इधर उधर मूवमेंट करता है, तो क्या यहाँ फिजिकली टच हुआ? जी बिल्कुल टच हुआ, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल माउस कह देते हैं। आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं, और मेरे दोस्त कुछ बातें हम करते हैं, अब हम देखते हैं थोड़ा सा माउस की से रिलेटेड चीज है, और वो है आपके माउस से संबंधित कार्य के बारे में। तो देखिएगा अगर हम बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गए अपना, कहाँ थे और ऊपर थे, यहां नहीं है, टेंशन नहीं मत लो, मैं भाई ले आऊंगा। तो मैं चलो देखो जरा, हम बात माउस की बात थी तो दो प्रकार के माउस थे, हम थोड़ी सी बात और करते हैं, थोड़ा सा माउस के फंक्शन के बारे में और देखते हैं कि तो माउस करता क्या है। तो देखो
माउस की अगर हम बनावट देखें तो तीन बटन होती हैं, एक तुमने नोटिस करा होगा उसमें स्क्रॉल व्हील होता है, एक तुमने नोटिस करा हो सर उसके अंदर क्या लेफ्ट बटन होता है राइट बटन होता है, ये वाली जो चीजें होती हैं वो आपकी दो सॉरी एक लेफ्ट बटन और एक क्या था आपका राइट बटन मौजूद था और एक स्क्रॉल व्हील, जैसे कि तुमने बीच बीच में जो पहिया टाइप का होता है उसे स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, लेफ्ट बटन होता है एक राइट बटन होता है। तो तीन बटन के आधार पर माउस के चार कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं देखिएगा, एक तो होता है मेरे दोस्त क्लिक, उसी को हम क्या बोलते हैं लेफ्ट क्लिक कह देते हैं, एक होता है मेरे दोस्तों डबल क्लिक और एक होता है आपका राइट क्लिक, और दूसरा होता है मेरे दोस्त ड्रैग एंड ड्रॉप। जरा समझना, लेफ्ट क्लिक शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं, जो आपको आपसे जैसे कि आपको कोई भी बोले कि क्लिक कर दो तो क्या आप राइट क्लिक करते हो, नहीं आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, यानी लेफ्ट वाले बटन को आप प्रेस करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, यानी लेफ्ट क्लिक का नाम आपका क्लिक भी होता है और क्लिक का मीनिंग क्या होता है आपका लेफ्ट क्लिक भी होता है। आ जाओ भैया डबल क्लिक, डबल क्लिक का मतलब क्या है कि भैया जो आपका लेफ्ट वाला बटन होता है उस लेफ्ट वाले बटन को क्या करना डबल बार प्रेस करना क्या कहलाता आपका डबल क्लिक कहलाता है। और राइट क्लिक तो आप अच्छी तरह से जानते हो, माउस के राइट बटन को आप क्लिक कर दो तो उसे हम क्या बोल देते हैं राइट क्लिक कह देते हैं। ठीक है, आ जाओ ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक करके रखना या फिर क्लिक करके रखना, छोड़ना नहीं यानी बटन को दबा के रखना ऐसे, ठीक है, फिर ले जाकर यहां छोड़ देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं देखो ये क्लिक हुआ था, ये क्या था क्लिक, जैसे कोई चीज हट गई ना तो वो क्लिक था, अब इस पर मैंने क्लिक करा और ले गया इसको और मैंने यहां छोड़ दिया, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्या ऐसा माउस से कर सकते हो, ये भी माउस ही का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ऐसा हम माउस से जी बिल्कुल कर सकते हैं कि हमने लेफ्ट क्लिक करके रखा और उसको लेकर आए और यहां उस बटन को छोड़ दिया, ड्रैग क्लिक करना लेकर जाना, ड्रैग डाउन डाउन ड्रैग ड्रॉप सॉरी ड्रॉप ड्रॉप मतलब छोड़ना होता ना, ड्रैग मतलब क्लिक करके रखना, ड्रॉप मतलब छोड़ देना दूसरी जगह ले जाकर। तो ये आपके चार माउस के कार्य हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहां से सीपीसीटी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, आपसे पूछा था बताओ मेरे दोस्त ये चार माउस के कार्य हैं इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला कार्य कौन सा है, बता सकते हो बताओ सबसे ज्यादा यूज कितने हैं लेफ्ट क्लिक वाले। मैं सोच रहा था कि डबल क्यों नहीं बोल रही है, डबल बोलना चाहिए, डबल क्लिक का आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर लेफ्ट क्लिक ही है। देखो क्यों है उसका रीजन है। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे समझना लेफ्ट डबल क्लिक कहाँ करोगे भाई, डबल क्लिक तो आप सिर्फ एक ही बात, जैसे सपोज कि आपने ये डेस्कटॉप है आपका, यहाँ पर एमएस वर्ड का जो रखा हुआ है, एमएस वर्ड है यहाँ पर, एमएस वर्ड आपका रखा हुआ है और इस एमएस वर्ड पर आपने किया डबल क्लिक तो ओपन हुआ, फिर अगले 5 घंटे आपने एमएस वर्ड यूज करा तो कहीं भी क्लिक डबल क्लिक करोगे जी सर, कहीं नहीं करोगे। और इवन भैया यहां डबल क्लिक की भी जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या, आप स्टार्ट बटन में क्लिक करके जाओ, एमएस वर्ड पर क्लिक कर दो, एक ही क्लिक में ओपन हो जाएगा। तो डबल क्लिक तो ऑप्शनल है, डबल क्लिक का तो ऐसा ही नहीं है कि आप डबल क्लिक करना मैंडेटरी नहीं है, आप तो एक क्लिक से भी काम कर सकते हो। तो आपका जो मैक्सिमम यूज होने वाला जो माउस का कार्य है वो कौन सा है मेरे दोस्त, वो है आपका लेफ्ट क्लिक वाला कार्य। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, आ जाओ भाई रीड कर लेते हैं और देखते हैं माउस के, हाँ माउस देख लो, माउस का डेवलप जो किया था किसके द्वारा किया था, मेरे भैया डॉगलस एंगल वार्ड ने 1964 में इसका किसका आपके माउस का मेरे दोस्त डेवलप किया था। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या होते हैं भाई, एक तो आपका लेफ्ट राइट बटन होते हैं और एक उसके अंदर क्या होता है स्क्रॉल व्हील होता है, यानी तीन बटन उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। आ जाओ भाई, और ये कार हमने देख लिए थे कि माउस के कितने कार होते हैं दोस्त, चार कार होते हैं, एक है आपका क्लिक या लेफ्ट क्लिक, एक है डबल क्लिक, एक है राइट क्लिक और एक है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सेक्शन, ये भी माउस का एक कार्य होता है। आ जाओ भाई मूव करते हैं और देखते हैं जरा माउस के प्रकार पर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके क्या जी हाँ, दो प्रकार के हैं, एक ऑप्टिकल माउस और एक मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस से रिलेटेड बात आपको क्या याद रखनी है सर, ऑप्टिकल माउस से रिलेटेड बात यह है कि आपका लॉजिकल फॉर्मेट में जो चले वो क्या कहलाता है आपका ऑप्टिकल माउस है, और जो आपका कैसे चले मेरे दोस्त फिजिकली जो काम करे वो क्या कहलाता है आपका मैकेनिकल माउस कहलाता है। आ जाओ भैया मूव करते हैं अगली बात पर, देखो सबसे पहला जो है, अब हम प्रत्येक डिवाइस को पढ़ने वाले हैं, जितने डिवाइस होने हैं वन बाई वन हम पढ़ने वाले, तो जो सबसे पहला जो डिवाइस है वो है मेरे दोस्त आपका जॉयस्टिक। जरा समझना जॉयस्टिक क्या है और देखने की कोशिश करिएगा,
और अभी हाल ही में रात में क्वेश्चन सॉल्व करा था, यहीं से क्वेश्चन था 9 बजे। आया करो भैया सबके सब, रात में 9 बजे सॉल्यूशन होता है आपके पेपर का। आज भी 52 के 52 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, कौन से वाले, 26 दिसंबर शिफ्ट सेकंड, आज पूरा पेपर हम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मीनिंग क्या है जरा समझो। जॉयस्टिक का मीनिंग यहाँ ये है, सिंपल सी बात। एक पहली बात तो ये इनपुट डिवाइस है, कोई दो राय इसमें है नहीं, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें कि सर इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मेरे दोस्त गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगर लॉकडाउन में पबजी खेला हो तो, था लॉकडाउन में अगर पबजी खेला तो पबजी के दोनों साइड होती है नहीं, इधर वाला सेक्शन और इधर वाला सेक्शन, जिससे आप कंट्रोलिंग करते हो, वो सारी की सारी कंट्रोलिंग जिससे होती है वो किसका कमाल होता है, जॉयस्टिक का। और अगर वहां से भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वैसे अगर तुमने नोटिस कराओ कि भाई हम जैसे कि हम जब हम यहाँ शिवपुरी आए आए थे ना, तो हम ना कोचिंग आते थे ना, तो वहाँ ना रास्ते में इधर ये जो अपना नीलगढ़ चौराहे से इधर आते थे पढ़ने, तो वहाँ नीलगढ़ चौराहे साइड एक शॉप थी, तुमने नोटिस कराओ, वहाँ पर 1 रुपए का कॉइन डालते थे बच्चे, और करते थे कि नहीं करते थे, और वहाँ पर खड़े होते थे वो टेकन 3 जिसको बोलते थे, टेकन 3 जिसको बोलते थे, तो वो वहाँ पर उनको जो पकड़े के, पर वो एक दूसरे को मारने का काम करते थे, गेम खेल टेकन 3 अगर सोचाओ। तो वहाँ पर जो चीज़ थी ना जिससे वो खेलते थे, वो चीज़ कौन थी, आपका जॉयस्टिक थी। कोई दिक्कत, तो वहाँ अगर आपसे यूज़ पूछ ले कि जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, सर आपके गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। आ जा भाई, लाइट पेन के बारे में बात करते हैं। तो दो बातें, एक तो है मेरे दोस्त आपका लाइट पेन, और दूसरा मेरे दोस्त एक बात है वो है मेरे भैया, एक है आपका स्टाइलस। दोनों बातों के बारे में समझना कि ये लाइट पेन क्या होता है और स्टाइलस क्या होता है। तो समझो, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है लाइट पेन इनपुट डिवाइस और क्यों है स्टाइलस इनपुट डिवाइस, और क्या है लाइट पेन और क्या है स्टाइलस, तो समझो मेरे भाई, जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ये स्टाइलस है, ये लाइट पेन नहीं है। अगर हम लाइट पेन की बात करें तो तुमने अगर कभी नोटिस करा हो कि एक पेन होती है जिसमें एक वायर लगी होती है, और वो वायर ऐसी घूमी घूमी वायर होती है, ऐसे अगर नोटिस कर, यानी ज़्यादा लंबा करना है तो उसकी लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ बढ़ जाती है, पास में लाते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। अगर टेलीफोन जैसा नोटिस करा, वो टेलीफोन उठाते हैं उसको दूर ले जाओ तो चला जाता है, पास लाओ तो वो वायर का लेंथ कम हो जाती है, दूर ले जाते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है उसकी, तो वो वाली इसके अंदर क्या लगी होती है, वायर लगी होती है, और उसके मदद से वो आपकी पेन काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन। और ये जो है जो विदाउट वायर की मदद से जो काम करती है वो है आपका कौन, स्टाइलस। अगर आप देखो लाइट पेन इनपुट क्यों है, स्टाइलस इनपुट क्यों है, लाइट जैसे यही समझ लो लाइट पेन है, जबकि है नहीं, समझ लो इनके अपन सपोज दैट ये लाइट पेन है, तो ये पेन का काम है इस पर लिखना, जैसे मैंने ये लिखा ऐसे ही समझना, ये मैंने लिखा, या सपोज ये मैंने लिखा, तो ये मैंने लिखा है तो क्या इसी स्क्रीन ने ये लिख के दे दिया कि किसी और ने दिया है, किसी और ने दिया है, किसने, इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने, इसने दिया ना, यानी आपने इस पर ऐसे करा ऐसे लिखा तो आपने इसके मदरबोर्ड को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये बंदा ये चाहता है, तो उसने क्या कर दिया, उसको आपके पास कर दिया। लेकिन इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कम समय होता है इनके आदान प्रदान का कि हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हमें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से गया था और कहाँ से वापस आ गया। अगर हम इसकी बात करें ना भाई, इसकी अगर हम प्रोसेस देखें, ये ए बनने की प्रोसेस देखें, तो देखो ये बनने की प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले इसने इसको इस टच किया आपकी टच स्क्रीन को, और टच स्क्रीन ने मदरबोर्ड के पास भेजा, भेजेगा पोर्ट पढ़े हैं, कौन से पोर्ट से भेजेगा बताओ, महान पढ़े लिखे लोगों, सीरियल पोर्ट से भेजेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आपका वीजीए पोर्ट नहीं था, मॉनिटर को कनेक्ट कर रहा था, डीवीआई पोर्ट, डिजिटल वीडियो पोर्ट, और एक था आपका कौन सा, एचडीएमआई, एचडीएमआई तो वो कैमरे को कनेक्ट करता, उसको छोड़ दो, डिस्प्ले पोर्ट था जो आपका डिस, आपका कौन कौन सी चीज थी, आपका डीवीआई पोर्ट और आपका वीजीए पोर्ट दोनों को रिप्लेस करके बनाया गया, वो कौन सा पोर्ट था सर, वो था आपका डिस्प्ले पोर्ट। तो डिस्प्ले पोर्ट यानी इतने पोर्टों पर जाकर ये जो वायर कनेक्ट होगी इसकी अंदर से, वो उसने मदरबोर्ड को दिया, मदरबोर्ड ने इसको किसको दिया भैया, और सीपीयू ने इसको किसको दिया, प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेस तो प्रोसेसर ही करेगा, और प्रोसेसर ने कंप्लीट करके फिर वापस किसको दिया, मदरबोर्ड को ही, समझ रहा, और मदरबोर्ड ने वापस किसको दे दिया,
मॉनिटर यानी इसकी स्क्रीन को, जाकर आपको मिला ए। इतनी बड़ी प्रोसेस हुई है तब भी हमें समझ में नहीं आती कि इतनी प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाती है। तभी तो बोलते हैं मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी पर सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन का काम ये कर लेता है। तो ये वाली बात है। तो भैया हम थे कहाँ? हाँ लाइट पेन पर थे। तो अब समझ गए इनपुट क्या है, क्योंकि ए का इंस्ट्रक्शन इसने दिया है तो ये क्या हो गई इनपुट, और ये स्टाइलस भी तो दे रही है इंस्ट्रक्शन, तो ये भी क्या हो गया आपका इनपुट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बात याद रखनी है वो बात ये है मेरे दोस्त, देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो आपकी लाइट पेन होती है आपसे अगर बोल दिया जाए कहाँ पर यूज की जाती है तो वो आपके CRT एक मॉनिटर होता है जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, वहां पर काम करती आपकी कौन मेरे दोस्त लाइट पेन। और अगर हम स्टाइलस की बात करें कि स्टाइलस कहाँ पर यूज होता है, तो स्टाइलस का यूज की बात करें तो आपका डिजिटल पैड, देखो अगर हम रियल लाइफ की बात करें, देखो स्टाइलस की रियल लाइफ की बात ये है कि आपका पहले जमाने में अगर हम पेंटर की बात करें तो वो पेन उठाते थे और एक पेपर उठाते थे और उस पेपर पर लिखना बनाना पेंटिंग स्टार्ट कर देते थे, तो वो था आपका पहले जमाने का पेंटर का काम। अगर राइट नाउ बात करें पेंटर तो डिजिटल है, हर भैया आप कोई यूज नहीं करता आजकल, कोई यूज नहीं करता पेन और पेपर का, करता है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं करता। आप तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक डिजिटल टैब होता है जिसे पेन टैब भी बोल देते हैं, पेन टैब हो गया, ग्राफिक्स टैब भी जिसे बोल देते हैं, पैड होता है और उसके साथ में एक पेन होती है और ये आपका कनेक्ट होता है कंप्यूटर के मॉनिटर से। इस पर वो बनाते जाते हैं, बनता कहाँ जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये जो चीज है इस पर जो ये पेन चलती है वो कौन है, आपका स्टाइलस है। जैसे कि मैं बात करूं तो मेरे हाथ में स्टाइलस है, और अगर तुमने मेरे देखा होगा पहले मैं यूट्यूब पर पढ़ाता था तो क्या स्क्रीन पर लिखता था क्या? नहीं, वहां पैड था मेरे पास, उस पैड पर मैं लिखता था तो स्क्रीन पर जाकर लिखा होता था, तो वो भी कौन था मेरे दोस्त, आपका स्टाइलस था। आगे आ जाओ, सबसे अगली बात करते हैं आपके ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल मैंने पढ़ा चुका हूं भैया, कौन से माउस के अंतर्गत आएगा, मैकेनिकल माउस के अंतर्गत आपका ट्रैक बॉल आने वाला है। आ जाओ भाई, मूव करते हैं अगली बात की ओर। अगला लिखा हुआ स्कैनर, जरा समझना, स्कैनर से रिलेटेड बात हम समझते हैं मेरे दोस्त, समझिएगा स्कैनर से रिलेटेड बात वो क्या है, स्कैनर से रिलेटेड बात मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना। देखो अगर हम सबसे पहले स्कैनर से रिलेटेड बात करें तो वो एक सबसे पहली बात तो इनपुट डिवाइस है। क्यों है इनपुट डिवाइस, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि जो आपकी स्कैनर टाइप की जो मशीन होती है वो आपकी फ़ोटो जो है या फिर आपकी मार्कशीट है, जैसे तुम अगर फॉर्म भरवाने गए हो ऑनलाइन वाले के पास तो वो क्या करता है आपकी मार्कशीट लेता है, स्कैन करता है और अपलोड कर देता है, करता है तो वो मतलब क्या करता है, आपकी मार्कशीट स्कैनर का काम है आपकी मार्कशीट को स्कैन करना, मार्कशीट को स्कैन करना और किसको दे देना, कंप्यूटर को दे देना, और कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं सर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं यानी दिए जाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। आ जाओ भाई थोड़ी सी और बात करते हैं एग्जाम रिलेटेड चीजें। देखो आपका जो स्कैनर है वो करता क्या है मेरे दोस्त, जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी समझ गए भाई, यानी आपके हाथ में जो कॉपी है वो कौन है, हार्ड कॉपी है, जैसे हम छूकर देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो जो आपकी ये हार्ड कॉपी है उसे किस में कन्वर्ट करना सर, सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो कन्वर्ट करने का काम है वो किसका है मेरे दोस्त, वो है आपके स्कैनर का काम है। क्वेश्चन उठता है सर सॉफ्ट कॉपी क्या है, तो अगर हम बात करें जो आप ये चीज आप भी देख रहे हो अपने हाथ में लिए हो, जो देख रहे हो, तो ये आपके पास ये चीज किस फॉर्म में है, हार्ड कॉपी में, और मेरे पास किस फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में, यानी मॉनिटर पर, बट उसे मैं छू नहीं सकता, ये मत बोलना सर छूते रहो तुम, मैं डिस्प्ले को छू रहा हूँ ना कि उस कॉपी को छू रहा हूँ, ठीक है ये वाली बात है। तो जैसे मैं महसूस नहीं कर, यानी ये मेरे पास जो है वो सॉफ्ट है और आपके पास जो है वो क्या है, हार्ड है, तो इसी हार्ड को किस में कन्वर्ट करना, सॉफ्ट में कन्वर्ट करने का किसका काम है, आपके स्कैनर का काम है। भैया यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, एक तो होता है मेरे दोस्त स्कैनर और एक होता है मेरे दोस्त कौन, आपका OCR, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना,
ये जो OCR है ये भी क्या करता है सर, ये भी आपकी हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, सॉफ्ट कॉपी में। और स्कैनर भी क्या करता है सर, आपकी जो हार्ड कॉपी है उसे भी किसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, सॉफ्ट कॉपी में। तो फिर जी क्या, हाँ किसकी, अभी मैं आया कहाँ हूँ, जो समझा रहा हूँ उसको समझ ले भाई, अभी रीड पर मत आ, रीड पर मैं आऊंगा ना। तो देख लो भाई क्या लिखा हुआ, आपका हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करना, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। और आपका यहाँ इसका इस OCR का भी काम क्या है, हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करना, आपकी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? जी हाँ सर, आपका बिल्कुल अलग है, स्कैनर अलग है, OCR बिल्कुल भी अलग है। क्या है तो समझो जरा ध्यान से, अगर हम आपसे बात करें तो सपोज कि मैं आपकी यही कॉपी ले लूं, देना जरा देखो ये नोट्स मैं ले लूं, और इस नोट्स को मैं स्कैन करूं स्कैनर से, तो ये नोट्स जो है स्कैन जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एज अ फोटो डिस्प्ले होगा। समझ गए, फोटो समझ सकते हैं, नहीं आपकी मार्कशीट एज अ फोटो ज्यादा ले जाती है, एज अ फोटो, यानी उसमें आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, चेंजेस कर सकते हो क्या इसके टेक्स्ट में, कुछ भी नहीं कर सकते आप चेंजेस। तो ये किसका काम है, वो है आपके स्कैनर का। और यदि इसी नोट्स को मैंने, इसी पेज को यदि OCR के अंदर रखा, जैसे ही मैं OCR के अंदर रखूंगा तो इसमें जो जो लिखा है वो स्कैन होके आ जाएगा, ना कि फोटो बनेगा। समझ में आ गई बात, यानी जैसे इसमें लिखा है ये ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल आ जाएगा, यानी जो जो कैरेक्टर, देखो नाम से भी समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश की मदद से, सी मतलब कैरेक्टर को, रीड मतलब रीड करता है, रीडर मतलब रीड करता है, यानी प्रकाश की मदद से इस पर लिखे हुए जितने कैरेक्टर हैं। और कैरेक्टर किसे कहते हैं सर, A to Z से जो बनता है, छोटा बड़ा से जो बनता है, और 0 to 9 से जो बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं, और इसी का नाम टेक्स्ट भी होता है। तो क्या करता है, आपके जो हार्ड कॉपी के अंदर जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को रीड करके कंप्यूटर को देता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्कैनर कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ये आपको एज अ फोटो देता है और ये एज अ आपको फाइल देता है, ये याद रखना थोड़ा सा। स्कैनर जो है वो एज अ आपको फोटो के फॉर्मेट में देगा, और OCR जो है वो एज अ फाइल के फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड करने का मेरे दोस्त काम करेगा। आ जाओ भैया बात करते हैं अगली अगली, दोनों चीजें समझ में आ गई मेरे भाई, आपका स्कैनर और आपका कौन मेरे दोस्त, आपका OCR, जिसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। आ जाओ अगली बात, अगला क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, माइक्रोफोन। समझना माइक्रोफोन के बारे में चीजें, समझने की कोशिश करो जरा माइक्रोफोन, अगर हम माइक्रोफोन से रिलेटेड चीजें देखें, समझो माइक्रोफोन का सिंपल सा काम है, माइक्रोफोन का अगर शॉर्ट फॉर्म आप जानते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं सर, माइक कहते हैं। माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, माइक होता है। माइक्रोफोन का जाने वाले कौन रोक सकता है भाई, कोई नहीं, आज तक नहीं रोका किसी ने। ठीक है आ जाओ देखते हो, आपका जो माइक्रोफोन है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्त, माइक होती है। माइक का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोफोन होता है। देखो ये जो मैं यूज कर रहा हूं, और मैं ये भी जो यूज कर रहा हूं वो क्या है, माइक ही है, माइक्रोफोन ही है। तो इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल सा काम है, जो मेरी वॉइस आ रही है उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट करना, यही है ना। अगर मेरी वॉइस इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगी तो क्या बाहर में चली जाएगी दोस्त, नहीं जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस नहीं बनेगी तब तक बाहर में नहीं जाएगी। और क्या हम इसका ना यूज करके क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन में वॉइस को डायरेक्ट धकेल दो, लो भाई चली जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। हम कोई तो चीज यूज करेंगे ना जिसकी मदद से हमारी हमारी जो वॉइस होगी वो इसके अंदर जाने वाली है, वो ही चीज क्या है आपका, माइक्रोफोन है। यानी जो आपकी वॉइस होती है या फिर जो आपका साउंड होता है, ठीक है, या फिर जो आपकी मेरे दोस्तों क्या होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, क्या किरण बोल सकता हूँ इन्हें, जी बिल्कुल बोल सकता हूँ, इन्हीं को किसमें कन्वर्ट करना सर, इन्हीं को आपको माइक्रोफोन में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका है, वो सॉरी 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 क्षमा चाहता हूँ, इन्हीं को किसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में, सॉरी किसमें ले जाना भैया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के
वेव्स के अंदर लेकर जाना किसका काम है, आपके माइक्रोफोन का काम है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। सीपीसीटी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, यहीं से क्वेश्चन था, और देखना क्या प्रश्न आपसे पूछा था। सीपीसीटी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई आपकी जो वॉइस होती है उस वॉइस को, या तो ऐसे बोल दो उस वॉइस को, जैसे कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं अपनी वॉइस के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां ये यूज क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कुछ सोच के बता सकते हो? आवाज तेज करने के लिए, यही है ना, यानी क्या करने के लिए, जो मेरी वॉइस आ रही है वो वॉइस शायद वहां तक आपको प्रॉपर रूप से सुनाई ना दे, क्योंकि अगर मैं माइक का यूज ना करूं तो शायद मैं तेज बोलूं, लाउड बोलूं, तो मेरे गले को प्रॉब्लम हो, तो उस गले को प्रॉब्लम ना हो तो हम माइक यूज कर रहे हैं जिससे कि हम बिल्कुल आराम से बोलें और आपको वहां पर सुनाई दे, यानी जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरी वॉइस है वो वॉइस कैसी है, वो वीक वॉइस है, यही है ना, वीक यानी छोट, उसमें कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है। अब हम उस वीक वॉइस को क्या करना चाहते हैं मेरे दोस्त, हम थोड़ा सा उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, यानी स्ट्रांग वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इस माइक का यूज कर रहे हैं। तो तुम ये मत समझ बैठना कि ये काम आपके माइक का है, वीक को स्ट्रांग में ले जाना, ये काम माइक का बिल्कुल भी नहीं है। माइक का तो काम सिंपल सा क्या है, जो आपकी वॉइस है उसको किसमें कन्वर्ट करना सर, उसको आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट करना माइक का काम है ओनली, लेकिन बीक बीक ही रहेगी, स्ट्रांग नहीं कन्वर्ट करना। आ जाओ भाई, लेकिन फिर इसका काम किसका है भाई, ये बीक को स्ट्रांग में ले जाना। तो देखो, अगर आपने नोटिस करा होगा कि एक साउंड सिस्टम वर्ड तुमने सुना हो तो, जैसे होम थिएटर घर में होता है, जैसे कि आपका डीजे शादियों में चलता है, होता है वहां तुमने मशीन का देखा, एक मशीन रखी होती है जिसमें जाकर आपकी मशीन, ये मशीन होती है, ये आपकी एक मशीन है, इस मशीन से केबल निकल कर आती है जिसमें आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो, करते हो सर जी, और इसी माइक से आपकी वो कैमलेट जिन्हें बोलते हैं सिंपल भाषा में, कैमलेट का दूसरा नाम क्या होता है, टेक्निकल लैंग्वेज स्पीकर, एक टेक्निकल लैंग्वेज स्पीकर, यानी ये आपने दो स्पीकर यूज कर लिए, ठीक, और ये स्पीकर भी किस पर कनेक्टेड है, इस पर, और आपका मोबाइल के माध्यम से ये भी कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ, या फिर मेरा माइक ले लो, माइक भी इसी पर कनेक्टेड होगा, जो मशीन मिक्सर जो मिक्सर नहीं, सिंपल लैंग्वेज में मिक्सर बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम है, वो नाम क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में, देखो भाई इसका नाम है टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर हम नाम की बात करें तो इसके नाम जो है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, क्या कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, एम्पलीफायर, और ये है आपका एम्पलीफायर, ये मोबाइल एम्पलीफायर पर कनेक्टेड है और स्पीकर भी इसी पर कनेक्टेड है। स्पीकर का जो काम है वो सिंपल सा काम है, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मिल रही है उसको किसमें कन्वर्ट करना, वॉइस में ले जाना, और इसका काम क्या है आपकी, इसका कि जो आपकी वॉइस मिल रही है उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट करके किसको देना, इसको देना। अब जो भी चेंजेस करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा, यानी अब बीक को स्ट्रांग में ले जाने का काम किसका होगा, इसका काम होगा। तो सिंपल सी बात, बीक को स्ट्रांग में ना ही माइक ले जाता है, ना ही, नहीं तो बहुत से बंदे सोचते हैं स्पीकर हमें तेज आवाज में देता है, सोचते ना, थोड़ा सोचने की स्पीकर से हमें, जैसे आप सोचोगे इसमें स्पीकर से आवाज मिल रही है, तो स्पीकर का काम ओनली है जैसा दो वैसा लो, तो इसके अंदर एक चिप लगी हुई है एक एम्पलीफायर की, वो चिप क्या कर रही है, मेरी इस बीक को स्ट्रांग में कन्वर्ट करके स्पीकर को दे रही है, तब स्पीकर उसको आपको दे दे रहा है। तो ये काम आपका जो बीक को स्ट्रांग में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका, आपका एम्पलीफायर का है, ना कि माइक का और ना ही आपके स्पीकर का। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? तो यहां अगर आपसे पूछ ले कि साउंड सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, तो माइक भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है, और क्या होता है आपका स्पीकर भी होता है। अगर माइक का यूज पूछें तो वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कन्वर्ट करना, एम्पलीफायर का यूज पूछें तो आपकी जो वीक सिग्नल है उन्हें स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करना, हाँ वही तो है एम्पलीफायर का काम, वीक सिग्नल को किस में ले जाना, स्ट्रांग सिग्नल में ले जाना, सॉरी वीक वॉइस को स्ट्रांग वॉइस में ले जाना, और आपका स्पीकर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस को या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को आपकी साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना, किसका काम है, आपके स्पीकर का। ये है थोड़ा साउंड सिस्टम जो हमने किससे रिलेट कर लिया, आपके माइक्रोफोन से रिलेट कर लिया। एक जरा बात लिखिएगा पेन और पेपर उठाकर, जरा लिखो एक जगह।
लिखना जरा, चलो लिखो जरा भाई, पेन और पेपर उठाकर जरा एक बात लिखिएगा, लिखना जरा। साउंड सिस्टम में लिखो, साउंड कहीं भी अपने हिसाब से स्टार बना के लिख लेना। साउंड सिस्टम में माइक, ब्रैकेट में लिखना माइक्रोफोन, ब्रैकेट में लिखना माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, तथा स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। माइक, एम्पलीफायर तथा स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक। अगला स्टार बना के लिखना, वॉइस को इलेक्ट्रॉनिक, वॉइस में, कन्वर्ट करने का कार्य, किसका है सर? माइक का। कन्वर्ट करने का कार्य माइक का होता है, अगला स्टार बना के लिखना, वीक्स बॉयस को, वीक बॉयस को स्ट्रॉन्ग बॉयस में, एम्पलीफायर, के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग, सॉरी, वीक वॉइस को स्ट्रॉन्ग वॉइस में एम्पलीफायर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। और अगली बात लिखना, अगला स्टार बनाकर लिखना, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस को साउंड वेव्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस या फिर ऑब्लिक में लगा के वेव्स भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को, किसमें? साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका है? वो है, क्या लिखा था हमने, को वेव्स में कन्वर्ट करने का कार्य, यही था ना, कन्वर्ट करने का कार्य स्पीकर का होता है, अपने हिसाब से उसको लिख लेना। कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? स्पीकर का। वैसे लिखवाने की जरूरत थी नहीं, आप अपने हिसाब से लिख लेते, ठीक है, लिख लिया करो ये बातों को अपने हिसाब से, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं और जरा अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या है जरा देखिएगा। अगला है मेरे दोस्त आपका MICR, जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो जरा समझना। MICR, यहाँ MICR मतलब मैग्नेटिक इंक आपका, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर इसी के स्थान पर क्या हो सकता है, आपका रीडर भी हो सकता है, कोई दिक्कत? आ जाओ देखो, हर हम अच्छी तरह से समझते हैं कि हर एक चीज का जो नाम होता है वो उसका काम उसके अंदर छुपा होता है, कि नहीं होता है? जैसे हम पढ़ना भी स्टार्ट करा था तब देखा था, कंप्यूटर का जो नाम है वो भी उसके काम, कहीं ना कहीं उसका काम उसके अंदर छुपा हुआ है। तो देख लो, मतलब MICR के अंदर ही उसका काम छुपा हुआ है। तो देख लीजिएगा, मैग्नेट की इंक क्या रहता है कि जो चुम्बकीय स्याही है उससे लिखे हुए कोई कैरेक्टर है, और कैरेक्टर मतलब आपका A to Z से कुछ लिखा है, 0 to 9 से कुछ लिखा है, ये वाला सेक्शन है। लेकिन शर्त यह है कि मैग्नेट की इंक होनी चाहिए, मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा हुआ है, और उस मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए इन कैरेक्टर को किसकी मदद से भैया, मैग्नेट इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को रीड करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, MICR कहते हैं। समझ में आई बात?
यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी मैग्नेट की इंक से लिखे हुए कैरेक्टर को जो पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रियल लाइफ में यूज कहाँ है, कहाँ ऐसी चीज होती है जहां पर चुंबकीय स्याही से कुछ लिखा होता है। तो बैंक जो होता है हमारा, और बैंक के अंदर जो आप चेक लेकर जाते हो, वजीफा मिलता था, लेने जाते थे हम गांव में, हम शायद टेंथ और टेंथ में थे, शायद नहीं, हाँ टेंथ सिक्स सेवेंथ में थे, तब सारे इकट्ठे होकर जाते थे, हैं जाते थे नहीं दूर, क्योंकि करेरा वहाँ जाना पड़ता था, अमोला जाना पड़ता था, हमोल से अमोला, तो वहाँ आते थे। और जब अमोला यहीं शिफ्ट था नदी के पास में, सिंध नदी जो थी ना वहीं था, पहले उधर नहीं था, तो इधर आते थे, वो वजीफा वाला सेक्शन जो था, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन है उसके नीचे जो नंबर्स लिखे होते थे, जो चेक के नीचे जो नंबर, तुमने नोटिस करा होगा कि चेक बैंक के अंदर जाता है तो वहाँ एक सीनियर सिटीजन बैठा होता है, अधिकारी बैठा होता है, वो उसको चेक करता है, ऐसे नोटिस करा हुआ है, ऐसे हम सोचते हैं कि वो नकली और असली चेक कर रहा है, नहीं होता था ना। और भाई साहब पहले ना वो जो चेक जो मिलता था ना, वो उसको जब तक पैसे हाथ में नहीं आते तब तक धड़कन तेज ही होती ही होती है, क्योंकि वो तो पैसे होते थे ना, वो तो यार वो बता, उस पैसे का फील चाहे तुम दुनिया में कितने भी कमा लो तब भी नहीं आएगा, नहीं आता ना, वो अलग ही फील आता है उस समय जो आता है ना, कि ऐसा लगता है नहीं यार कुछ आ रहा है अपने पास ऐसी, और अपन चाहे कितने कमा लो तो वो फील आता ही नहीं है, वो फील अलग ही था, वो वाला फील है सबको पता होगा वैसे। तो ये जो वहाँ पर जो जब तक वो वेरीफाई करते थे साइन वाइन, जब तक बिल्कुल धक धक सा होता ही रहता था, और जैसे ही पूरा साइन कंप्लीट हो ना, सील लगा दी और पैसे दे दिए, तो हाँ तसल्ली सी मिल जाती थी, मिल गए, यही वाला काम था ना, तो आ जाओ। अरे वहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे होते थे वो किस, कौन सी इंक से लिखे होते थे, मैग्नेटिक इंक से लिखे होते थे, और मैग्नेट इंक से जो नंबर लिखते थे वो वहाँ वो मशीन से चेक कर, वहाँ तब तो नहीं करते थे वो, वहाँ तो वो नॉर्मल से बैंक होते थे, वहाँ तो कंप्यूटर नहीं होता था, वहाँ लाइन में लगा देते थे, वहीं देख लेते सही है क्या नहीं है, ये बात। लेकिन अभी राइट नाउ अगर हम बैंकों की बात करें तो वहाँ चेक को ऐसे चेक किया जाता है, इस टाइप से ऐसे चेक करते हैं, चेक करते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो नकली और असली चेक कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चेक के नंबर्स को पढ़वाते हैं उससे, जो मशीन होती है उससे चेक नंबर पढ़ते हैं, तब जाकर फिर उस चेक की पूरी डिटेल आपको उनके सिस्टम में चली जाती है, कहाँ से आया, किसका है, किसके में डिपॉजिट करना, कितने डिपॉजिट करना, क्या करना, वो सारा सेक्शन वहाँ पर निकल कर आ जाता है। वो डिवाइस जो है वो क्या होता है आपका, MICR, जैसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। दूसरी बात भाई, अगर आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाए जो MICR है वो कितने कैरेक्टर पढ़ता है, और कितने, ऐसे दो क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि कितने डेसिमल नंबर MICR के द्वारा पढ़े जा सकते हैं, फिर कितने कैरेक्टर पढ़े जा सकते हैं, तो यहां आप याद रखिएगा आपके 14 कैरेक्टर तो ये पढ़ सकता है, लेकिन 10 डेसिमल नंबर पढ़ सकता है। देखो क्वेश्चन अगर कैरेक्टर का आए तो बोल देना 14 कैरेक्टर, और अगर क्वेश्चन डेसिमल का है कि कितने डेसिमल नंबर, तो बता दीजिएगा कितने डेसिमल नंबर मेरे दोस्त, वो आपके 10 डेसिमल नंबर को क्या करता है मेरे दोस्त, पढ़ सकता है। डेसिमल नंबर समझ गए, डेसिमल नंबर बोले तो 0 to 9 से जो नंबर्स हैं, और कैरेक्टर समझ गए यानी A to Z से जो लिखा है वो आपका कैरेक्टर वाला सेक्शन है। आ जाओ भाई देखते हैं अगली बात, अगली वाली जो बात है वो OCR पर तो हम चर्चा कर चुके ना भैया, ऑलरेडी चर्चा कर चुके, क्या करता है आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में एज अ फाइल के फॉर्मेट में प्रोवाइड करने का काम करता है। आ जाओ बार कोड रीडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, BCR कहते हैं। आपने नोटिस कराओ भाई, आपका मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं हम, या फिर ऐसी कोई स्टोर होती है जिसके अंदर आपका वहां बिलिंग जो होती है सिस्टम से होती है, हाँ पतंजलि में, जी बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल दिया, वी-मार्ट में भी है, और सम वो ऐसी आजकल सुप्रीम में बहुत सी स्टोर बन चुकी हैं, अब तो डेवलप हो गया, अभी अभी जियो का वो खुला हुआ एक ऑफिस टाइप का, जियो वाला सेक्शन है, वो भी आपका सेक्शन है। तो वहाँ तुम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो जैसे ही आप प्रोडक्ट उठाते हैं वो वहाँ पर अपन लेके जाते हैं, तो वो बिलिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो वहाँ पर एक मशीन उठाता है और उस QR कोड को स्कैन करता है, और QR ना तो वो ऐसे देखता कितनी रेट है इसकी, कितने पैसे हैं, ऐसे देखता नहीं देखता, वो तो QR कोड को स्कैन करता है, ऑटोमेटिकली उसकी रेट जितना, कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, वो सारा लेस होकर ऑटोमेटिकली उनके बिलिंग सेक्शन के अंदर आ जाता है, और बिलिंग सेक्शन के अंदर जो रीड, वो मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ पर जो डिवाइस है जिसकी मदद से वो उस कोड को रीड कर रहा है, वो कौन सा कोड होता है सर, वो आपका BCR कोड होता है।
कोड के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो आपने ऐसे ये हॉरिजेंटली कोड देखा होगा जिस पर ऐसे लाइनें होती हैं और 1 2 3 लिखा होता है, और एक आपने वर्टिकल वाला कोड भी देखा होगा ऐसे जिस पर इस प्रकार से ये सेक्शन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, QR कोड बोलते हैं, और इसे हम बार कोड बोलते हैं। याद रखना, यहाँ बार BC बोल मतलब बार कोड, मतलब ये इसका नाम है बार कोड और इसका नाम है QR कोड, जिसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ आप पेमेंट गेटवे में यूज़ करते हो, फोन पे गूगल पे जो भी ये सेक्शन यहाँ यूज करते हो, और ये आप अपने प्रोडक्ट पर यूज करते हो, ठीक है। और अगली बातें हैं जो अपन कल इस करना स्टार्ट करेंगे आपके OMR से, ठीक है। और दोस्त सुनो, जितना पढ़ाया है कल याद करके लाओगे, और कल 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है। तो टाइम पर आए, कल अपन पढ़ते हैं।